अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश ट्यूटर वासिफ़ जाहिद। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ग्रेट एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। स्टूडेंट्स, प्रीवियसली वी हैव सॉल्वड एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 8, स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स समरी। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर फॉर टुडे। स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग समरी। Robert Frost wrote Stopping by Woods on a Snowy Evening in 1922. Robert Frost ने एक बर्फ़ानी शाम में दरख्तों के पास या जंगलात के पास रुकना 1922 में लिखी। It is difficult to know if there is any symbolical meaning in the poem. ये जानना बहुत मुश्किल है कि नज़म में कोई अलामती मतलब भी मौजूद हैं। At the surface, अगर हम इस नज़म को पढ़ें, it is quite simple, ये बिल्कुल आम है, as ऐसे महसूस होता है, if the poet is recounting the beauty of the woods, जैसा कि शायर जंगलात की खूबसूरती को याद कर रहा है। He stopped for a little while, जहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रुका था। नेचर फ्रीक्वेंटली मैंशन इन द पोइम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नज़मों में कुदरत को ज़्यादातर बयान किया गया है। एंड दिस पोइम अगेन इज़ अबाउट नेचर एंड इट्स ब्यूटी, और ये नज़म दोबारा कुदरत और उसकी खूबसूरती के बारे में है। इन दिस सेंस, इस एहसास में या इस मतलब में, इट सिम्बलाइज अ ब्रेक, ये अलामत है एक वक्फ़े की, फ्राम डेली बिजनेस, रोज़ाना के काम से, इन टू द लैप ऑफ नेचर, कुदरत की गोद में। परहैप्स, शायद फ्रॉस्ट वॉज ट्राइंग टू रिमाइंड हिज रीडर्स, फ्रॉस्ट अपने पढ़ने वालों को ये याद दिलाना चाहता था, दैट नेचर्स ब्यूटी इज़ इनएस्केपेबल, के कुदरत की खूबसूरती से बचा नहीं जा सकता, एंड दे मस्ट सीक टू विज़िट इट, और उन्हें इसको देखना या इस सैर करने के लिए लाजमी जाना चाहिए, वेन एवर पॉसिबल, जब भी मुमकिन हो। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन, ये एक ऐसे आदमी की कहानी बयान करती है, हु इज़ ट्रेवलिंग टू हिज होम टाउन, जो अपने घर की तरफ सफ़र कर रहा है। वेन ही रीचिज़ द वुड्स, जब वो जंगलात के पास पहुँचता है, ही इज़ इंचेंटेड। इंचेंटेड मीन्स हैरान रह जाना। ही इज़ इंचेंटेड बाई इट्स नेचुरल ब्यूटी, ये इसकी कुदरती खूबसूरती से हैरान रह जाता है। ही वंडर्स, वो सोचता है, हुज वुड्स आर दीज, ये किसके जंगलात है। ही नोज़ द ओनर, वो मालिक को जानता है। लिव्स इन द नियर बाई विलेज, जो करीब के गाँव में रहता है। His horse is thinking it strange, उसका घोड़ा भी इसे अजीब समझता है, to stop by the woods, जंगलात के पास रुकने को। There is no farmhouse in sight, क्योंकि मंजरे आम पर कोई फार्म हाउस नहीं है। His horse gives a shake to the harness bells, उसका घोड़ा अपने गले में बंधी हुई घंटी को हिलाता है। There is a frozen lake and snowflakes to be seen, वहाँ पर जमी हुई झील और गिरती हुई बर्फ़ को देखा जा सकता है। Frozen means जमी हुई। Wind is passing through the trees, दरख्तों में से हवा गुजर रही है। The woods are lovely, dark and deep, जंगलात खूबसूरत, अंधेरा भरे और घने हैं। द ट्रैवलर इज़ बाउंड बाई टाइम, मुसाफर को वक्त की पाबंदी करना ज़रूरी है। ही हैज़ टू वॉक ऑन, उसे चलते ही रहना होगा। एज़ लाइफ इज़ नॉट द नेम ऑफ स्टे, जैसा कि ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है। ही हैज़ टू डू मैनी वर्कस टू कीप द लाइफ गोइंग ऑन, उसे बहुत सारे काम करने हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में चलता रहे, या फिर उसकी ज़िंदगी चलती रहे। द पोइट एक्सप्रेसिस दैट, शायरी ये बयान करता है, आफ्टर द अकम्पलिशमेंट ऑफ अलाट ऑफ वर्क, के बहुत ज़्यादा काम मुकम्मल करने के बाद, ही कैन गो टू बेड फॉर स्लीप, वो अपने बिस्तर पर सोने के लिए जा सकता है। सो स्टूडेंट, दिस वॉज योर लेक्चर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टूडेज लेक्चर, फील फ्री टू आस्क। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।